ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। चिन्मयानंद ने अपनी गुनाह कबूल किया है। SIT के सामने स्वामी चिन्मयानंद ने कहा, मुझे शर्म आ रही है बताने में। लड़की के आरोपों के मुताबिक आज सुबह SIT ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ में कबूल कर लिया है। पहले सुनिए SIT के चीफ नवीन अरोड़ा ने क्या खुलासा किया है। स्वामी ने लगभग वो सारी चीज़ें स्वीकार ली हैं जो आरोप लगे हैं, और जैसे उन्होंने अपनी मौजूदगी स्वीकारी, उन्होंने अश्लील बातचीत करना स्वीकारा, उन्होंने बॉडी मसाज करना स्वीकारा, यहाँ तक उन्होंने पूर्ण रूप से स्वीकार किया। और बाकी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज हैं उनके आधार पर और जो उनकी प्रेजेंस है डिजिटली उसके आधार पे बाकी चीजें निष्कर्ष। तो आपने सुना चिन्मयानंद की करतूतों का खुलासा। पूर्व मंत्री चिन्मयानंद को अब जेल जाने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि चिन्मयानंद पर लगे आरोपों को कबूला है। आपको बता दें, चिन्मयानंद के कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाए थे और इसके कुछ ही दिन बाद स्वामी चिन्मयानंद के करतूतों के 40 वीडियो पुलिस को सौंपे थे, जिसकी जाँच पुलिस कर रही थी। ठोस सबूत मिलने के बाद चिन्मयानंद को उनके आश्रम से गिरफ्तार किया गया है और फिर उनकी मेडिकल कराकर जेल कस्टडी भेज दिया गया है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम लोग, हमारी SIT की टीम गठित की गई थी और दो अभियोगों पे विवेचना की जा रही थी। एक अभियोग एक पीड़िता ने लगाया था जो स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध बलात्कार के मुकदमे थे, और दूसरा स्वामी चिन्मयानंद ने स्वयं एक एक्सट्रॉशन का मुकदमा पीड़िता के ख़िलाफ़ और उनके कुछ साथियों के ख़िलाफ़ लगाया था। हम लोगों ने काफ़ी गहनता से इसकी विवेचना की और आज सुबह स्वामी चिन्मयानंद को उनके आश्रम से गिरफ्तार किया गया, उनका मेडिकल परीक्षण कराकर उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और उन्हें जेल दाखिल किया गया है। फिलहाल 14 दिन पुलिस हिरासत में रहेंगे चिन्मयानंद, और उसके बाद और भी खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इतना तो साफ है, चिन्मयानंद की रात जेल में कटेगी। और अब विपक्ष ने भी इस पूरे मामले में CBI की मांग की है। और हम आपको ये भी बता दें, ये मामला सुर्खियों में तब आया था जब LLB छात्र पिछले महीने लापता हो गई थी, जिसके बाद चिन्मयानंद पर आरोप भी लगा था लेकिन राजस्थान से बरामद कर लिया गया था। चिन्मयानंद तब सुर्खियों में आए जब छात्रा ने इसकी पोल खोलना शुरू कर दिया था, लेकिन स्वामी चिन्मयानंद की आखिरकार SIT के सामने काला चिट्ठा खुल ही गया और चिन्मयानंद ने लगाए गए आरोपों को कबूल कर लिया। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।